हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिली फिश, हरी मिर्च की मछली। इसके लिए हमने ये 500 ग्राम मछली ली है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च इसको हमने कट कर लिया है। हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाएगी, इसमें तीखा ही अच्छा लगता है। मेथी दाना, नमक और ये गरम मसाला पाउडर और ये जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम सरसों का ऑयल डाल देंगे। और इसको गरम होने दें। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे। और जब ये चटकने लगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टीस्पून है, ये इसको डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें ये हरी मिर्च है, ग्रीन चिली, इसको भी डाल देंगे। सौते कर लेंगे। वन टी स्पून सॉल्ट इसको भी डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, ये खुशबू का मसाला, इसको भी डाल देंगे। और इसमें 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। चलाते जाएंगे। और ये मछली डाल देंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप लोग बनाइएगा ज़रूर अपने यहाँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से चला लिया है। इसमें एक कटोरी भर के पानी डाल देंगे और लिड लगा के पकने देंगे इसको गलने तक। और देखिए, ये मछली को हम खोल के देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से गल भी गई है। मछली तो गल जाती है जल्दी से ही, लेकिन इसको धीमी धीमी आंच पर पकाने से ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है ये। बल्कि इसको कोयले पर पकाएं तो और भी अच्छी बनती है ये। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ग्रीन चिली फिश रेडी है। इसके ऊपर कोरिएंडर लीफ थोड़ी सी डाल देंगे। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।